मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आर्मी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया को आर्मी सेवा सम्मान से नवाजा गया। कोरोना काल में ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया के द्वारा जन सेवा के कार्य किए गए थे, इन कार्यों को देखते हुए ही उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। रायला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन चालक ने रायला स्टेशन पर इस घटना की सूचना दी। हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रायला पुलिस को सूचना करने पर रायला पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। खुदकुशी करने की घटना बताई जा रही है। रतलाम में मध्य प्रदेश शासन खेल व युवा कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग व आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त प्रयास द्वारा इस वर्ष खेल अकादमी के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन किया जा रहा है। टैलेंट सर्च में कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस संबंध में एक बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने निर्देश दिए कि टैलेंट सर्च में जिले के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। बैठक में जिले के खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर में फ्यूजन ग्रुप द्वारा मिसेस राजस्थान की टॉप 15 कंटेस्टेंट को रिवील किया गया। राजस्थान से 800 महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 15 फाइनलिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया। आगामी दिनों में ग्रूमिंग ट्रेनिंग व डिफरेंट सेशंस का आयोजन किया जाएगा, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त को ग्रैंड फिनाले का आयोजन होगा, जिसमें 15 कंटेस्टेंट शामिल होंगी। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमली गांव में दो बालकों की डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर विधायक गोपाल खंडेलवाल मृतक के घर पहुंचे, वहां परिजनों से मिलकर संवेदना जताई। बताया जा रहा है गौतम गुर्जर व हेमराज गुर्जर दोनों भाई खेत से घर की तरफ आ रहे थे, तभी दोनों रास्ते में खेलते हुए आमली गांव के तालाब पर पांव फिसलने से गिर पड़े। तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल को सूचना मिलते ही रात को मृतक बालकों के घर पहुंचकर परिजनों के दुख में शामिल हुए व परिजनों को सांत्वना प्रदान की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।